मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, कर बुरा तो कहां से होवे भला। सुनी या नहीं सुनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हां, अब ऐसा ही कुछ हो रहा है हूर परी रिया चक्रवर्ती के साथ। सुशांत केस में सीबीआई तो अभी तक रिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकी है, पर अब उस ऊपर वाले की लाठी उस पर चलती जरूर दिख रही है। और मैं आपसे पहले भी कहते आया हूँ कि अगर हम लोग सुशांत को इंसाफ नहीं भी दिला पाए तो वो ऊपर वाला सुशांत के पापियों से जरूर हिसाब लेगा। इन पापियों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, और ऐसा होता दिख भी रहा है। आज मैं रिया और उसके परिवार से जुड़ी जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुन जरूर आपका दिल भी हिचकोले खाने लग जाएगा। दरअसल रिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले उसे ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था, फिर वो एक महीना जेल में भी रही, बाद में जमानत मिली, तो अब उसके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई है। बता दूं, रिया और उसके माता पिता अब अपने लिए नया घर तलाश रहे हैं। रिया के माता पिता को मुंबई के खार इलाके में घर ढूंढते हुए देखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग केस में रिया का नाम आने के बाद उसकी सोसाइटी वालों ने उसे उसका घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। सोसाइटी के लोग मीडिया और भीड़भाड़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने रिया के परिवार वालों से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर 9-2-11 होने के लिए कहा है। ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि रिया के माता पिता यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि उन्हें कोई दूसरा घर मिल जाए, मगर वो जहाँ भी जा रहे हैं ना, उन्हें घर देने से सफाचट मना कर दिया जा रहा है। कोई भी उन्हें किराए पर या मकान बेचने को लेकर राजी ही नहीं हो रहा है। खैर, कर्मा तो कर्मा ही होता है, जितनी देर से आता है उतना ही ज़्यादा मज़ा दे जाता है। अब आगे आगे देखना है कि और किस किस तरह के पहाड़ इन पर टूटते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाएं। मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।